हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को स्पाइसी फ्रूट चाट बनाना सिखाऊंगी, तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। स्पाइसी फ्रूट चाट बनाने के लिए कुछ मैंने ये फ्रूट ले लिए हैं और इसके साथ मैं चटनी तैयार करूंगी। तो उसमें ये 2 चम्मच मैंने इमली ले ली थी और इसका मैंने अभी फल जो है वो अलग कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसे पकाऊंगी। जब तक मैं ये फ्रूट काटती हूँ तो साथ मेरी चटनी भी तैयार हो जाएगी। देखिए तो इस तरह है, आधा कप मैंने इसमें पानी डाला था, लेकिन इसे पकाना ज़रूरी है। कुछ लोग कच्ची इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इस तरह नहीं करनी चाहिए, इसे पकाना ज़रूरी है। मैं ये पका लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये 1 मिनट के लिए मैंने इसे पका लिया है। अभी 1 चम्मच ये मैंने चाट मसाला ले लिया है, ये मैं इसमें डालूंगी। भर के चम्मच लिया है, चाट तो चाट के साथ होता है, चाट मसाले के साथ। और ये मैंने किशमिश ले ली है, ये इसी में डाल दूंगी। ये बहुत अच्छी फूल जाती है, लेकिन ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, बस तो थोड़ी सी ये मिक्स भी हो जाए, चाट मसाला भी मिक्स हो जाए, ये थोड़ी सी फूल जाए तो फिर मैं इसे उतार। ये देखिए 1 से 1.5 मिनट लगा है और चटनी ये तैयार हो गई। और ये देखिए किशमिश कितनी फूल के खूबसूरत लग रही है ये। और अभी इसमें मैं पैन में 1.5 कप पानी डाल देती हूँ। ये जो मैंने दूसरी चटनी तैयार करनी है इसके लिए 1.5 कप पानी लिया है। ये खुबानी जो है इसके मैंने बस 6 से 7 आने डालने हैं, जितना मेरा फ्रूट है इसके लिए इतना ही काफ़ी है। इसको मैं अच्छी तरह नरम कर लेती हूँ, बस 3 मिनट पकाऊंगी और फिर मैं इसे उतार लूँगी। ये देखें ये खुबानी जो है ये नरम हो चुकी है, मैं अभी इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। पानी खुश्क हो गया, ये थोड़ा सा रह गया, इसी को मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये खुबानी को मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है, ये इस तरह हो गई है। अभी मैं इस एक बॉल में डालूंगी। अभी ये चीनी मैंने रखी है 3 चम्मच, ये मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। ये ब्लैक और वाइट मिर्च है, ये मैंने पीस के रखी है, ये भी इसी में शामिल कर रही हूँ। को अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। फ्रूट जो मैंने कुछ काट लिए हैं, ये खरबूजा है 1 बॉल, 1 बॉल पीच है, ये मैंने इसी तरह बारीक बारीक काट लिया है। ये अंगूर है, ये भी मैंने इसी तरह काट लिए हैं। ये अनार है, थोड़े से ये इसमें शामिल करूंगी। और ये फ्रूट मैंने काटे नहीं, ये मैं अभी काटूंगी, कि ये पहले काट के रखती तो ये ब्लैक हो जाते हैं, इस वजह से अभी मैं ताज़े काट के इसे मिक्स करूँगी। ये 1 बॉल मैंने सेब काट लिए हैं, भर के बॉल ये लो काट ले लिए हैं। ये 1 बॉल छोटे वाला ये मैंने इस तरह काट लिए हैं। ये केले हैं, ये इस तरह काट लिए हैं। ये थोड़ा कॉकटेल बचा हुआ था तो ये मैंने कल ये डाल दूँ, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसमें ये चटनियाँ शामिल करूँगी, पूरी नहीं शामिल करूँगी, ये थोड़ी सी रख लूँगी। इसमें मैंने किशमिश डाली थी, आपको बताया था, ये भी मैं इसी तरह थोड़ी शामिल करूँगी, थोड़ी सी रख लूँगी गार्निश के लिए। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। अब मैं इस बॉल में ट्रांसफर कर रही हूँ। इसमें थोड़ी सी मैं क्रीम डालूंगी। ये थोड़ी सी इमली की चटनी, ये इस तरह, ये दूसरी, खुबानी की चटनी भी बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े की है, इसकी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये 1 लेमन मैं इस पर डालूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करके जाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
क्योंकि हमें ये देख के बहुत खुशी होती है जब कोई हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जाता है। तो हम आपसे बहुत उम्मीदें रखते हैं और आपका एक लाइक हमारे लिए क्या मायने रखता है आपको मालूम नहीं है, हमें बहुत खुशी होती है। और इस डिश की ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है और सेहत के लिए बहुत अच्छी है। स्पाइसी फ्रूट चाट तैयार है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे छोटा सा कमेंट करके बता दिया करें कि आपको कैसे लगे। अल्लाह हाफिज़।